राजनांदगांव और खैरागढ़ के एक एक मरीज की स्वाइन फ्लू से जान चली गई है, मतलब दो लोगों की मौत हो गई है स्वाइन फ्लू के चलते। निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, मरीजों का प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा मृतकों का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार। एक गर्भवती भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आई है, अस्पताल मैनेजमेंट ने CMHO को इसकी जानकारी दी। तो डायरिया, मलेरिया, डेंगू के बाद अब स्वाइन फ्लू लोगों को डरा रहा है। राजनांदगांव खैरागढ़ से खबर है, जहां पर दो मरीजों की जान चली गई है। राजनांदगांव से, खैरागढ़ से एक मरीज सामने आया था जिनकी मौत हो गई है। निजी अस्पताल में मरीजों का उपचार चल रहा था, इलाज चल रहा था, प्रोटोकॉल के तहत ही मृतकों का दाह संस्कार किया जाएगा और एक गर्भवती महिला भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आई है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने CMHO को इसकी जानकारी दी है। तो राजनांदगांव खैरागढ़ में स्वाइन फ्लू धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, एक एक मरीज की जान भी चली गई है, जिससे लोगों में अब दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। निजी अस्पताल में इन मरीजों का इलाज चल रहा था जिनकी जान गई, प्रोटोकॉल के तहत अब मृतकों का दाह संस्कार किया जाएगा और स्वाइन फ्लू से और भी कई ऐसे मरीज हैं जो ग्रसित हैं, जिसकी चपेट में हैं। एक गर्भवती महिला भी स्वाइन फ्लू की चपेट में है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने CMHO की इसकी जानकारी दे दी है। क्या कुछ हालात हैं वो हम जानेंगे। राजनांदगांव से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, फिलहाल क्या हालात देख रहे हैं स्वाइन फ्लू के आप वहां पर? डायरिया, मलेरिया, डेंगू के बाद अब स्वाइन फ्लू लोगों को डराने लगा है। मनोज जी, विस्तार से बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव जिले का पहला मामला और छत्तीसगढ़ का पहला मामला कहा जा सकता है, जिसमें आज देर रात दो व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, जिसको प्रोटोकॉल के तहत आज उसको दफनाया जाएगा। ये एक खैरागढ़ का है और एक राजनांदगांव जिले से 15 किलोमीटर दूर एक गाँव का है, जहाँ पे लगातार जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है कि इतिहास के तौर पर इसको दफनाया जाए और कहीं से भी, और इतिहास के तौर पर गाइडलाइन भी आज जारी करने की बात किए थे, वो कर रहे हैं लगातार। राजनांदगांव में इससे पहले भी 2015 में एक स्वाइन फ्लू आया था, जिसमें 15 लोग की मृत्यु राजनांदगांव जिले में हुई थी। इसलिए यहाँ के जिला प्रशासन लगातार लगा हुआ है कि ऐसे एहतियात बरता जाए कि फिर से घटना राजनांदगांव जिले में ना हो। स्वाइन फ्लू लगातार राजनांदगांव में बढ़ रहा है, ये दो लोगों की मृत्यु के बाद आज जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जी